हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे फुल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल्स हैं, एक इंग्लिश टैरोट रीडिंग का चैनल है और दूसरा जो है वो आपकी हिंदी उर्दू हिंदी रीडिंग है। बट उसमें जो है आपकी यूजुअल क्वेश्चन पे बेस वीडियोज़ होती हैं, उनके ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ। सो लाइक माई दैट चैनल ऑल्सो ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट, और वो मैसेजेस टाइमलेस होते हैं। आप कभी भी उस मैसेज को देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट करेगा। सो मेरी फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि लियोज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर लियोज पर्सन्स करंट फीलिंग, व्हाट आर लियोज पर्सन्स करंट फीलिंग्स। सो लियोज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, करंटली उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, अंडरनीथ द टैग आपके पार्टनर के पास है हैरोफंट, सिक्स ऑफ कप्स एंड डेविल। देखते हैं कि बाकी क्या एनर्जीज हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। The Emperor and Hangman. So, Leos, आपके जो person है वो अपनी life की stability पे workout कर रहे हैं, या फिर वो commitment चाहते हैं, वो reconcile करना चाहते हैं, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा nostalgic हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो पुरानी यादों को रिकॉल कर रहे हैं, और वो किसी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। लाइक उनका जो बॉन्ड है आपके साथ वो बहुत ज़्यादा सोलमेट है, वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल सिचुएशंस आपने आपके पार्टनर ने आपके साथ गुजारी हैं। हो सकता है वो आपकी तस्वीरों को और आपकी चीज़ों को जो है वो देखते हों और आपको याद करते हों, अगर आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन है तो। अब वो रिकनसाइल करने चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके और आपकी साथ जो उनकी मेमोरीज़ हैं उनके हवाले से। आपकी और उनकी कमिटमेंट शादी अगर है तो शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर कुछ अनहेल्दी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, स्टक हैं, वो आप तक जो है वो पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर अनहेल्दी टॉक्सिसिटी है, कोई अनहेल्दी बाउंडेजेस हैं जिसकी वजह से वो आप तक पहुँचने में, या फिर आपके साथ अच्छी लाइफ जो है वो जैसी लाइफ वो चाहते थे पहले थी, अब वैसी नहीं कर पा रहे हैं, वैसी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कमिटमेंट, वो चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, उनके माइंड में यही है। उनका माइंड जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, या फिर उनके माइंड में चेंज है या फिर हो रहा है। लाइक वो चाहते हैं चेंज, वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस सिचुएशन की। और इस वक्त में हो सकता है यहाँ पर कोई जो ये अनहेल्दी सिचुएशन वो उनकी अथॉरिटी फिगर्स की वजह से हो, जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं उनके हवाले से फादर फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इस वक्त, और या फिर वो खुद से एक एम्परर बन रहे हैं इस वक्त। अब लाइक एम्परर बनकर उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो सिंगल लाइफ में है, अपनी सिंगल लाइफ को सेल्फ अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते हैं फॉर यू, आपके लिए, क्योंकि वो अब उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, उनकी पास्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और वो अपनी इन मेमोरीज़ को जाने नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिसिटी। वो इस टॉक्सिसिटी की वजह से इस सिचुएशन आपको जो है नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करें, फाइनेंशियली अबंडेंट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टक हुई हुई हैं, मूव फॉरवर्ड नहीं करी जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा वो उस चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड है, ये लाइक यहाँ पर कुछ डिलेज हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो हो सकता है अगर घर का प्रॉब्लम है, घर बनाने का प्रॉब्लम है, तो घर बनाने
घर बनाना भी चाहते हैं वो, लेकिन यहाँ पे कुछ डिलेज हैं, डिवाइन टाइमिंग जो है वो वर्कआउट कर रही है आपके और उस पर्सन के रिलेशनशिप के दरमियान। वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी चीज़ में, और हो सकता है फैमिली रेजिस्टेंस है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है सबके लिए। जस्ट कुछ अनहेल्दी है, कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस हैं जिनको वो अच्छी मेमोरीज़ भी हैं और बैड मेमोरीज़ भी हैं आपकी उनकी आपके साथ, तो वो बैड मेमोरीज़ को जो है वो उनके ऊपर हावी हुई हुई हैं, तो वो अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल करें, अच्छा टाइम स्पेंड जो किया वो उसको रिकॉल करें और इस बैड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड है, बहुत ज़्यादा डिलेज हैं, वो जो करना चाहते हैं चेंज आ रहे हैं, लेकिन चेंज जो है उसमें अभी टाइम है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद वो आ रहा है, तो स्टक फील कर रहे हैं वो अपने आप को, और डिलेज हैं, चीज़ें तेज़ी से मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, कुछ टाइम लग रहा है उसमें। सो या वो बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें हो जाएं जैसा वो चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वो एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को विद यू। सो ओके, बहुत ज़्यादा वेटिंग कर पे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी हुए हैं, हो सकता है उन्होंने अपने आप को मिस्टीरियस कर लिया हो, या फिर आपने उनको बिल्कुल गोस्टेड कर दिया हो, वो गोस्टेड भी हुए हुए हैं, इमोशनली कंट्रोल्ड हैं, हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, लेकिन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर पाइसिस मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पार्टनर के साथ है, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हों, डिवाइन से हेल्प लेना चाहते हों, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल किसी हद तक कर रहे हैं, क्योंकि डिलेज आ रहे हैं, चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं उस तरह से, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, वो जल्द से जल्द मूव फॉरवर्ड चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं आपके लिए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके साथ उनका ब्रेकअप है लियोस, और वो इसको बिल्कुल भी वो ये चीज़ नहीं चाहते, वो एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को टायर्ड भी फील कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनत करें फिर भी रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहे, और डिलेज पे डिलेज हैं, सो वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और अनस्टेबल फील कर रहे हैं विदाउट यू, और कर सकते हैं इन पास्ट में डिवाइन की हेल्प भी ले सकते हैं, अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो लियो जी थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग के हवाले से। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।